जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का SCS Academy की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, करंट अफेयर की ऐसी क्लास जिसमें टॉपिक का कंप्लीट कवरेज होता है, टॉपिक को करंट पूर ऐसे डिस्कस किया जाता है कि आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाते हैं और एग्जाम में जब कभी आपको यहाँ से कोई प्रश्न देखने को मिलता है तो उसके छूटने की संभावनाएं जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में भी हम विभिन्न मुद्दों पर ऐसा ही करंट को डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि हम किन किन टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के कोयला आयात में 30% की वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ चर्चा करेंगे कि 30% की वृद्धि क्यों हुई है आखिरकार, और कोयला कैसे बनता है, कोयला उत्पादन में विश्व में कौन कौन से देश अग्रणी है, भारत का स्थान क्या है, बात करेंगे कि भारत में कौन से राज्य में ज़्यादा कोयले के भंडार हैं, कौन सा राज्य ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है, कहाँ कहाँ भारत में कोयला मिलता है, कोयले के कितने प्रकार होते हैं, आदि सभी चीज़ों को लेकर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सीमा सड़क संगठन की, जिसने हाल ही में अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी, कब बना था, इसका काम क्या है, और हाल ही में चर्चा रहा तो इस दिन कोई विशेष कुछ काम हुआ है, क्रिया हुई, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में जो हाल ही में दिए गए हैं, तो ये अवार्ड क्या है, किसे हाल ही में दिए गए, कब से प्रारंभ हुए हैं, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, ये स्वाइन फीवर क्या है और पिग्मी हॉक क्या है, स्पेशली पिग्मी हॉक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ये कहाँ मिलता है, IUCN की रेड लिस्ट में इसका क्या स्थान है, भारत के वन्य जीव अधिनियम जो उसके तहत इसका क्या स्थान है, और कहीं ना कहीं ये फीवर क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, आदि चीजों को लेकर। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले टॉपिक की, और पहला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, कोयले आयात में वृद्धि हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानिए कि कोयला बनता कैसा है। करोड़ों साल पहले धरातल की जो आप स्थिति देखें, वहां पर जो वनस्पति थी, वो वनस्पति भूकंप आदि घटनाओं के चलते नीचे दब गई, उन पर मिट्टी की परत जम गई। अब जो वनस्पतियां आदि चीजें नीचे जमी दब गई थी, उनका रूपांतरण दाब के कारण, ताप के कारण कोयले में हो गया, और वही कोल जो करोड़ों सालों में बना है उसका आज हम यूज करते हैं। आज अगर देखें तो एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड जो है उसने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कोयला आयात 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 30% के आसपास बढ़ गया है। याद रखना है 124.99 मीट्रिक टन से 162.46 के आसपास पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये चर्चा में रहा है। क्लियर? अगर कोयले की आयात में इस वृद्धि को देखें दोस्तों, तो याद रखिएगा कि कोयला कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में मिलने वाला, ज्यादा मात्रा में अवेलेबल एक जीवाश्म ईंधन है, और जितने ज्यादा मात्रा में ये मिलता है उसी हिसाब से हमें इसकी महत्ता भी देखनी है। कई प्रकार से कोयला महत्व होता है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो दोस्तों, हमारे देश की ऊर्जा की लगभग 60% डिपेंडेंसी किस पर है, कोयले पे है, और कोयले से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं कौन सी ऊर्जा दोस्तों, तो तापीय ऊर्जा उसको कहते हैं। क्लियर? इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत बेहतर तरीके से करने की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए कोयले का यूज होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को फालतू खर्च किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में कोयले की खपत और बढ़नी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई जाती है 60% तक हमारी निर्भरता किस पे है, तापीय ऊर्जा पर, जो कोयले से बनती है। इसके बाद हम देखें दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हमारे देश में कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, बोल सकते हैं इस्पात उद्योग में। जो इस्पात उद्योग होता है या धातु उद्योग होता है, इसमें हमें सबसे ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ती है। विशेष तौर पर धातु उद्योग में देखें तो यहाँ पर कोकिंग कोयला जो होता है, उस कोल की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। कोकिंग कोल क्या है, कोयले का एक फॉर्म है, और इसे हम लोग कहीं ना कहीं धातु शोधन कोयले के तौर पर भी जानते हैं। इसकी विशेषता की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें गंधक की कमी होती है,
इसमें नमी की कमी होती है, राख इसमें कम निकलती है, इसमें फॉस्फोरस भी कम होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण कोयले का फॉर्म है जिसे धातु शोधन में या धातु निर्माण उद्योग में बड़े पैमाने पर कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है। और भारत में ऊर्जा की दृष्टि से देखें, इस्पात आदि चीज़ों में हमारी जो मांग है कोयले की वो बढ़ती जा रही है, उस मांग के कारण हम कोयले का आयात ज़्यादा कर रहे हैं। और दूसरा इस कीमत, इस आयात के बढ़ने के पीछे का कारण है कहीं ना कहीं कीमत। अगर हम मार्केट में कीमत देखें तो कोयले की जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत है दोस्तों, वो भी अभी कम हुई है। इस वजह से कहीं ना कहीं कोयले की डिमांड भी बढ़ी है और इसका आयात भी बढ़ा है, इसलिए हम लोगों को 30% तक कोयले की बढ़त भारत में देखने को मिल रही है आयात में। अब बात करें कोयले के उत्पादन के क्षेत्रों की, तो विश्व में चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इसी लिस्ट में भारत भी शामिल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत दुनिया के बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत को कोयला जो है आयात करना पड़ता है। हम स्पेशली जो है ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करते हैं और भारत जो है वो एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है इसे आयात करता है ज़्यादातर। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। लेकिन अभी हाल ही में देखने को मिला है कि हमने कोकिंग कोयले को भी बड़े पैमाने पर आयात किया, इसके आयात में भी हमें वृद्धि देखने को मिली है। अगर भारत में कोयला क्षेत्रों की बात करें दोस्तों, तो झारखंड जो है वो अव्वल है। झारखंड जो है उसमें झिरिया खदान है, झिरिया के अलावा धनबाद और बोकारो भी कोयला खदानें हैं। झिरिया जो है वो भारत की सबसे बड़ी, याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी कोयले खदान के तौर पर जाने जाता है झिरिया, जो कहाँ है, झारखंड में है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में रानीगंज भी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश देश में भंडार की दृष्टि से लगभग 5वें स्थान पर आता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है, जबकि झारखंड का स्थान दोनों में ही प्रथम है, है ना। मध्य प्रदेश में सिंगरौली की बात कर लें, शहडोल में सुहागपुर की बात कर लें, जोहिला की बात कर लें, उमरिया की बात कर लें, ये प्रमुख कोयला क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश से लगा हुआ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में कोरबा, बिरसरमपुर, सोनहट और झिलमिल ये प्रमुख कोयला क्षेत्र आते हैं। तो याद रखना है कि ये प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं, लेकिन इनके अलावा जो कोयला है ना दोस्तों, वो उड़ीसा में, असम में, जम्मू कश्मीर में, है ना, इन राज्यों में भी आपको मिलता है कोयले का उत्पादन। मतलब भारत के एक बहुत बड़े बेल्ट में आपको कोयला उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अगर बड़े क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी घाटी जो है, गोदावरी नदी घाटी जो है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। जो झारखंड का कोयला क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत आता है, बंगाल का कोयला क्षेत्र जो इसी के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश का जो कोयला क्षेत्र है दोस्तों विशेष तौर पर सोन नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कोयले क्षेत्र को लेकर, कोयला क्या होता है उसको लेकर, और कोयले की आयात बढ़ने के पीछे दोस्तों क्या कारण थे वो, है ना। और भारत में कोयले के सबसे ज्यादा भंडार झारखंड में मिलते हैं, हमने उसके बारे में भी यहाँ पर आपसे डिस्कशन कर लिया है। क्लियर, चलिए नोट करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे फैक्ट हैं जो करंट अफेयर में चर्चा में है और एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कोयले के प्रकार की। तो हम लोगों को बेसिकली चार प्रकार का कोयला देखने को मिलता है। एक मिलता है एंथ्रेसाइट, दूसरा मिलता है बिटुमिनस और तीसरा मिलता है लिग्नाइट, चौथा मिलता है पीट कोयला। तो ये चार प्रकार के कोयला देखने को मिलते हैं। इनका जो विभाजन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया दोस्तों, वो किया गया इनमें मौजूद कार्बन की मात्रा पर। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर चार प्रकार के कोयला होते हैं। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो अगर पूछा जाता है सबसे बेहतर कोयला कौन सा है तो वो एंथ्रेसाइट है, और सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है तो ये याद रखिएगा पीट कोयला जो है वो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। क्लियर, एंथ्रेसाइट कोयले में लगभग हम बोल सकते हैं 80-95% के आसपास कार्बन की मात्रा देखने को मिलती है, इसलिए सबसे बेस्ट कोयला होता है। और एंथ्रेसाइट कोयला भारत में मिलता है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है भारत का, यहाँ पर आपको
एंथरसाइट कोयला बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें दूसरे प्रकार का कोयला है बिटुमिनस कोयला, इसको हम मध्यम क्वालिटी का कोयला बोलते हैं। इसमें लगभग हम बोल सकते हैं कि 60 से 70% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ना वो यही कोयला होता है भारत में सबसे ज़्यादा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, तो आप बोलेंगे बिटुमिनस प्रकार का। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो कोकिंग कोयला होता है ना दोस्तों, वो कोकिंग कोल जो होता है वो बिटुमिनस प्रकार के कोल के अंतर्गत ही शामिल होता है। तो कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कोकिंग कोयला किसमें आता है, तो आप बताएंगे बिटुमिनस प्रकार के कोयले में शामिल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला, जिसमें 40 से 50% तक कार्बन की मात्रा होती है। ये एक निम्न कोटि का कोयला है, ये याद रखना है। और सबसे नीचे जाएं तो पीट कोयला होता है, जो अभी निर्माणाधीन अवस्था में है। याद रखिएगा कि अभी ये कोयला बना नहीं है, इसमें अभी लकड़ी के अंश आपको देखने को मिलते हैं। तो ये लकड़ी के अंश देखने को मिलते हैं, इसका मतलब ये कोयला निर्माणाधीन अवस्था में है, अभी कोयला बना नहीं है, ठीक है। लिग्नाइट कोयला जो होता है वो भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका कलर भूरे कलर का होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कोयले की जानकारी रही कि कितने प्रकार का कोयला होता है दोस्तों, क्लियर। तो कोयले को लेकर अगर क्वेश्चन आता है बेसिकली कोई भी, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से उसको बना देंगे, ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक है सीमा सड़क संगठन का 64वां स्थापना दिवस। तो दोस्तों याद रखना है कि हाल ही में जो सीमा सड़क संगठन है, जिसको हम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है इसका फुल फॉर्म लिखने को दे देता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा इसका शॉर्ट फॉर्म है BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। इसने क्या किया है दोस्तों, 7 मई 2023 को देश भर में इसकी जितनी भी टुकड़ियां हैं उन्होंने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। अब इसका 64वां स्थापना दिवस तो मनाया है, तो यहां पर ये जानने की जरूरत है कि ये कब बना था। तो याद रखिएगा इसका गठन किया गया था 1960 में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1960 के आसपास इसका गठन किया था। गठन क्यों किया गया था, तो याद रखना सीमावर्ती सड़कों के लिए, क्लियर, सीमावर्ती सड़कों के लिए इसका गठन किया गया था, है ना। एक्चुअल में क्या है कि भारत की जो सेना है वो सीमा पर अपने सारे ऑपरेशंस करती है। अब सीमा की जो सड़कें अगर वो सही नहीं हुई और युद्ध जैसी कोई आकस्मिक परिस्थिति आपको देखने को मिल गई, तो ऐसी कंडीशन में ये तो जरूरी है ना कि वो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बन जाए, तो हम इजीली वहां पहुंच जाएंगे, इजीली वहां पहुंच जाएंगे तो सिचुएशंस अंडर कंट्रोल आ सकती है। तो इन सभी चीजों के चलते ये देखा जाता है कि 1960 के आसपास सीमावर्ती सड़कों को बनाने के लिए, उस स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस BRO की स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये एक ऐसी एजेंसी है जो देश के रक्षा मंत्रालय जो है ना केंद्र का, उसके अंतर्गत काम करने वाली व्यवस्था है क्या ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा हम दोस्तों अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो सीमा सड़क संगठन, उसके 64 साल तो हो गए, 64वां स्थापना दिवस मन गया है। अब इसका जो 64वां स्थापना दिवस मनाया है ना, उस अवसर पर इसने एक तकनीकी प्रशिक्षण परिसर और एक ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेड का भी उद्घाटन किया है, ताकि BRO के जो कर्मी, इनके प्रशिक्षण मानकों में और वृद्धि हो जाए, इनको अच्छे स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, ठीक है। इसका याद रखिएगा कि इसके अलावा जो सीमा सड़क संगठन का जो 64वां स्थापना दिवस समारोह बनाया गया, उसमें एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान जो है वो भी शुरू किया गया। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत आपको 10 अप्रैल 2023 के आसपास दिखाई पड़ती है, लेकिन एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान जो है वो हमारे देश में BRO के द्वारा भी कहीं ना कहीं इसको चालू किया गया है। और इसके तहत बाइक से और कार की रैलियां भी निकाली गई हैं। और ध्यान देने योग्य बात है कि 14 अप्रैल को ये जो एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान है, ये 14 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश से, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से प्रारंभ किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से, किबूथू जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ से भी इसकी एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई थी। तो पूरे देश में एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान जो वो चलाया जा रहा है, जिसको BRO के द्वारा भी हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है। अब ये अभियान क्या है, तो कहीं ना कहीं सैन्य क्षेत्र में हमारे जितने भी कर्मचारी रहे हैं, कर्मकारी रहे हैं, हमारे शहीद रहे हैं,
हमारे फौज के उन सबके प्रति कहीं ना कहीं श्रद्धा दिखाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कहीं ना कहीं ये एक अभियान जो है वो देश में चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उनके प्रति श्रद्धा को दिखाने के लिए ये अभियान चल रहा है। कौन सा अभियान चल रहा है? एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको दोनों चीजें याद होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना। नॉर्मली तो ये पूछा जाता है कि BRO की स्थापना कब की गई थी, तो 1960 में की गई थी, ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2023। दोस्तों हाल ही में ये अवार्ड घोषित किए गए हैं और ये कहीं ना कहीं पुरस्कार 2020 के लिए पहली बार पेरिस में व्यक्तिगत तौर पर आयोजित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर आयोजित किया गया है, पेरिस, और ये याद रखिएगा पेरिस में किया गया है, ठीक है। और 2020 के लिए दिए गए 2023 में, क्लियर। ये अवार्ड एक प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अवार्ड है और कहीं ना कहीं ये एक वर्ष में सबसे बड़ी और प्रेरणादायक खेल जीत को सम्मान देने के लिए लिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे बड़ी जीत हो, प्रेरणादायक जीत हो, उसके लिए ये दिया जाता है। और पहली बार ये समारोह जो है वो 25 मई सन 2000 को आयोजित हुआ था, जिसमें अमेरिकी गोल्फर हैं जिनका नाम है टाइगर वुड, इनको ये पुरस्कार पहले दिया गया था। तो अगर पूछ ले पहले किसको दिया गया था, तो टाइगर वुड्स को दिया गया था। और इसका महत्व ऐसे पता चलता है कि इसे खेलों का ऑस्कर कहते हैं। जैसे ऑस्कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, उसी प्रकार से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड को पाना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसे आप खेलों का ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। इसी में देखें तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वर्ष 2023 का, वो मिला है नियोलेल मेसी को। मेसी अर्जेंटीना की टीम के खिलाड़ी है, याद रखिएगा फीफा हुआ है और फीफा में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं खिलाड़ी और उससे संबंधित देश को लेकर, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा लियोनेल मेसी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला और ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है, क्लियर। और ऐसा होने वाले पहले फुटबॉलर भी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स वुमन किसको मिला है? मेन में तो मेसी को मिला है, वुमन में ये अवार्ड मिला है किसको? तो शैली एन फ्रेजर प्रिंस को, जमैका की है, इनको मिला हुआ है, क्लियर। इसके अलावा टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो अर्जेंटीना की पुरुषों की फुटबॉल टीम को टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखें सबसे ज्यादा बार ये अवार्ड किसको मिला है, तो याद रखिएगा रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो एक स्विस टेनिस खिलाड़ी है, स्विस है ये, याद रखिएगा स्विस टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को सबसे ज्यादा बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड मिला हुआ, ये याद रखना है। इसके अलावा सबसे ज्यादा कौन सी महिला जिसे ये मिला है? तो सेरेना विलियम्स टेनिस खिलाड़ी है अमेरिका की, इनको सबसे ज्यादा बार महिलाओं में ये अवार्ड मिला है, क्लियर। अच्छा, नियोलेल मेसी जो है इन्होंने 2022 में अर्जेंटीना को विश्व कप जीता तक पहुंचाया था, तो कहीं ना कहीं इसलिए इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले एथलीट भी बने, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो ये सभी लोग थे जिनको अवार्ड मिला है, कौन सा? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। तो किसे सबसे ज्यादा बार मिला है, किसे पहली बार मिला है, वो सब चीजें हम लोगों ने यहाँ देख ली, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक है अफ्रीकन स्वाइन फीवर और पिग्मी हॉग। दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको सुअर, ये पिग्मी हॉग कहलाता है, छोटा सा सुअर होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक दुर्लभ और छोटा सुअर प्रजाति है जिसका नाम है पिग्मी हॉग। तो कहीं ना कहीं जो जनरल साइंस ने एक रिपोर्ट पर लेख लिखा है, उस लेख में कहा है कि अफ्रीका का स्वाइन फीवर जो है वो विश्व के इन छोटे दुर्लभ छोटे सुअरों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है, इनकी संख्या को कमी हो रही है। और इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 2018 में जब ये फीवर चाइना में पहुंच गया था, तो चाइना में पहुंचने के बाद इन सुअरों की आबादी जो है वो खत्म हो गई है, क्लियर। तो चाइना में पहुंचने के बाद एशिया में इस प्रकार के सुअरों की आबादी खत्म हो गई है, तो ये सोच लीजिए कितना खतरनाक एक प्रकार का फीवर है ये, और एक प्रकार का ये वायरल है, और इतना भयंकर ये वायरल होता है ये बीमारी का, काय की बीमारी का, स्वाइन फीवर का, कि इसमें 95% से लेके 100% तक मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी
सुअर को इसका इन्फेक्शन हो जाता है, उसका उसके प्रसार को रोकने के लिए उसको मारकर ठिकाने लगाना पड़ता है, ये याद रखना है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्तर की ये बीमारी है जो लगभग 1920 के आसपास अफ्रीका में सबसे पहले देखी गई थी। कहाँ देखी गई थी? अफ्रीका में देखी गई थी, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जैसे ही अफ्रीका में पहुंची, इसने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में ऐसे सुअरों की प्रजाति को बहुत बड़े स्तर तक खत्म कर दिया है। किसने? अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने, जो कहीं ना कहीं 1920 में पहली बार अफ्रीका में ही देखा गया था। क्लियर? हाँ, अब हम इस पिग हॉग की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा कि पिग हॉग जो है इसका इसका वैज्ञानिक नाम है पोर्कुला साल्वेनिया। तो पोर्कुला साल्वेनिया इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसका आवास होता है आर्द्र घास के मैदान। तो आर्द्र घास के मैदानों में विशेष तौर पर ये पाया जाने वाला जीव है। और कहीं ना कहीं इसके महत्व की अगर हम बात कर लें, तो इसका महत्व यही है कि आर्द्र घास के मैदान जो होते हैं ना दोस्तों, उनमें कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य स्थिति है, आर्द्र घास के मैदानों की स्वास्थ्य स्थिति को बताता है कि ऐसे इकोसिस्टम को कोई खतरा नहीं है। अगर आर्द्र घास के मैदान का जो इकोसिस्टम है उसको अगर कुछ खतरा होता तो वहां पर ये पिग नहीं पाए जाते, इसलिए ये उसका एक सांकेतिक जीव है, ये ध्यान रखना है। संरक्षण की स्थिति की अगर हम इसकी बात करें तो IUCN की लिस्ट में एक संकटग्रस्त है। IUCN जो होता है वो हर 4 वर्ष में रेड लिस्ट जारी करता है। इस लाल सूची में जो पिगी हॉग है एक संकटग्रस्त प्रजाति है, इसका मतलब है कि इसे बचाया नहीं गया तो ये नष्ट हो जाएगा, दुनिया से खत्म हो जाएगा। और साइट्स की बात करें तो साइट्स के परिशिष्ट 1 में इसको शामिल किया है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के 1972 इसके अनुसूची नंबर 1 में दिया है। मतलब अगर आपने इसका शिकार किया, इसे मारने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाया तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अगर खतरे की बात करें दोस्तों, तो खतरा कहीं ना कहीं इसको जलवायु परिवर्तन से है, इसके शिकार से है, अवैध शिकार इसका होता है, और तीसरी बात है कि इसके आवास स्थल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसलिए भी इसको कहीं ना कहीं खतरा है। तो ये पिगी हॉग जो है वो पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जीव है, जिसे बचाना जरूरी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसको बचाने के लिए भारत सरकार की बात कर लें या वैश्विक स्तर पर बात कर लें तो बहुत बड़े स्तर पर मुहिम भी चल रही है। 1995 से इसको लेकर एक स्पेशल प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है ना। और भारत में अगर इसकी उपस्थिति की बात करें तो ये भारत में, एशिया में सिर्फ भारत में ही मिलता है। भारत में कहाँ? असम में। तो ये पिगी हॉग भारत में कहाँ मिलता है? तो असम में मिलता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर? तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने विभिन्न मुद्दों पर डिस्कशन किया है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।